अक्षम बच्चों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हमीरपुर के बाल स्कूल खेल मैदान में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर के करीब 160 दिव्यांग बच्चों ने भाग लिया। जिला स्तरीय खेलों में अव्वल रहने वाले बच्चे 2 व 3 दिसंबर को जिला मंडी में राज्य स्तरीय खेलों में जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिला युवा सेवाएं एवं खेल विभाग अधिकारी सुरेश धीमान ने खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और विजेताओं को इनाम भी बांटे। जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग के अधिकारी सुरेश धीमान ने बताया कि जिला स्तरीय अक्षम बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर के करीब 160 बच्चों ने भाग लिया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमीरपुर टुडे का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, कि जो हमारे बच्चों को चाहे कोई भी प्रतियोगिता हो उसको लाइमलाइट करते हैं। मैं हमेशा इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो प्रोग्राम यहाँ होने जा रहा है, ये जूनियर जिला स्तर की दिव्यांग खेलकूद प्रतियोगिता है। इसमें लगभग 160 बच्चे जो है विभिन्न विभिन्न श्रेणियों से जो दिव्यांग हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अलग अलग इसमें आयु वर्ग है, 15 से लेके 23 साल तक के बच्चे इसमें शिरकत कर रहे हैं। इन बच्चों का आने का, जाने का, खाने का, रहने का जितना भी खर्चा होगा वो हमारा युवा सेवाएं खेल विभाग इसको बियर करेगा। आज ये जो प्रतियोगिता होगी इसमें इन बच्चों को पारितोषिक इनाम भी यहाँ दिए जाएंगे, और इसके बाद ये जो बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो कि जिला मंडी में 2-3 दिसंबर को होने जा रही है उसमें शिरकत करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि ये बच्चे वहाँ से भी हमारे जिला हमीरपुर का नाम रोशन करेंगे, प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त करेंगे और नेशनल स्तर के लिए ये चयनित होंगे। धन्यवाद। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय खेलों में अव्वल रहने वाले बच्चे 2 व 3 दिसंबर को जिला मंडी में राज्य स्तरीय खेलों में जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।